पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद प्रदेश में राजकीय शोक है, तो वहीं सपा के कार्यालय पर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई और मौन धारण किया गया। सपा के नेताओं ने नेताजी को नमन करते हुए परिवार को दुख सहने की प्रार्थना की। इस दौरान सपा के जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने कहा कि आज हमारे बीच हमारे नेता मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, बहुत ज्यादा दुख है। जिन्होंने हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, देश के करोड़ों गरीब और किसानों, मुस्लिमों को, दलितों को और पिछड़ों को अपना बनाया, नेताजी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। मुलायम सिंह ने जब से राजनीति की उन्होंने गरीब कमजोर गांव की बात कही। आज हम लोग बहुत दुखी हैं, चिंतित हैं कि हमारे नेता हमारे बीच नहीं रहे। डीपी यादव ने कहा कि नेताजी ने ऐसे ऐसे काम किए जो जनता के हित में थे और जनता को समर्पित थे। उन्होंने चुंगी खत्म करने का काम किया, वहीं देश के सैनिकों को सम्मान सहित शहीद सैनिकों को उनके घर तक सरकारी मशीनरी द्वारा सम्मानित करने का काम किया। नेताजी की सादगी ही आज सभी नेताओं को अपनी ओर खींचती है और यही वजह है कि देश के नेता उन्हें देखने पहुंचे। आज प्रदेश शोकाकुल है, आज पार्टी का कार्यकर्ता, नेता सहित सभी बहुत ज्यादा व्यथित हैं। देखिए, कुछ कहने का मौका नहीं है। आज समाजवादी पार्टी को गहरा आघात लगा है। हमारे बीच हमारे नेता, जिन्होंने हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, देश के करोड़ों गरीबों के, किसानों के, मुस्लिम को, दलितों के, पिछड़ों के नेता, जिनको नेताजी कहा जाता, आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। नेताजी ने जब से राजनीति की है उन्होंने गरीब कमजोर गांव की बात की है। आज हम लोग बहुत दुखी हैं, चिंतित हैं कि हमारे नेता हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। नेताजी ने ऐसे ऐसे काम किए, चाहे वो चुंगी ख़त्म करने का मामला हो, चाहे व्यापारी के लिए 3/7 ख़त्म करने का मामला हो, दवाई के 1 रुपये के पर्चे की बात हो, चाहे देश के सैनिकों को सम्मान सहित शहीद सैनिकों को उनके घर सरकारी मशीनरी द्वारा ले जाकर सम्मानित करने का काम किया हो, ये नेताजी की देन थी। नेताजी इस काम को कर सकते थे, नेताजी ने किए काम। आज देख रहे हैं आप, पूरे देश के किसी भी दल के नेता हों, सब लोगों ने नेताजी का सम्मान किया, सब लोग नेताजी को देखने पहुंचे और प्रदेश नहीं पूरा देश शोकाकुल है। आज हमारे मुरादाबाद जनपद में भी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता सब बहुत दुखी और व्यथित है।